नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज एंसिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के सेक्टर 28 रघुनाथ मंदिर के बाहर। आप सभी को बता दूं कि पूरे देश में, पूरे सभी छोटे छोटे प्रांतों में, राज्यों में निधि समर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये मुहिम छेड़ी गई है, जो कि 44 दिनों का है, 44 डेज का ये अभियान है। पूरे देश में रामचंद्र जी के मंदिर के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में जुड़ें, पैसा डोनेट करें और मंदिर का निर्माण करवाएं। हम आगे की जानकारी यहाँ के प्रांत के जो हेड हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसकी गहराइयों को जानने के लिए आज हम इस मंदिर में आए हैं और हम आगे की बातचीत उनसे करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रमेश गुप्ता जी, जो कि निधि समर्पण अभियान में प्रांत के एडमिन हैं। ये सारा कार्यभार देख रहे हैं कि शहर में, पूरे प्रांत में कैसे राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा किया जाएगा। आज मैं इनसे बातचीत करूंगा और सर के साथ यहां पर मौजूद हैं कई और कार्यकर्ता। तो सर, आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यालय खोला गया है, इसका कार्य क्षेत्र कितना है? यह कार्यालय पूरे प्रांत को देखेगा, पूरे प्रांत की देखरेख यहीं से हो रही है। ये प्रांतीय कार्यालय है, प्रांतीय कार्यालय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान का प्रांतीय कार्यालय यह है जी। सर, मैं ये बात जानना चाहूँगा कि अभी तक कितना फंड इकट्ठा कर लिया गया है? देखिए, मैं आपको एक बात पे करेक्ट करता हूँ कि यह फंड इकट्ठा करने का अभियान नहीं है, ये निधि समर्पण अभियान है। तो निधि समर्पण अभियान में अपने प्रांत ने 17 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठा हो चुका है, जो एप्लीकेशन के माध्यम से जा चुका है। सर, इसकी टोलियां बनाई गई हैं, तो किस हिसाब से, मतलब हाउ दे आर कलेक्टिंग, कैसे वो मैनेज कर पा रहे हैं? पूरे प्रांत में 27 जिले हैं जी। और 7000 टोलियां बनी हुई हैं। एक टोली में तकरीबन अपने 4 से 5 सदस्य हैं, एक महिला है, 3 सदस्य और हैं, एक स्थानीय लोग को लेके 7 ऐसे 5 लोगों की एक टोली बनती है। तो घर घर जाके लोगों से संपर्क व समर्पण, या दो चीज़ों का अभियान हमारा है। पहला संपर्क है, फिर समर्पण। जितनी जितनी भी जिसकी मन की इच्छा है, उतना ही समर्पण लोग कर रहे हैं और बड़े मन से कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के लिए लोग अपने हृदय को फैला के बैठे हुए हैं और ये पूछते हैं कि आप कब, कितने लेट क्यों हो गए, इतने लेट क्यों हो गए, ये अभियान इतना लेट क्यों हो गया, आप हमारे पास लेट क्यों आए हैं। सबके हृदय में श्री राम जी बसे हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ही सब अपना समर्पण दे रहे हैं जी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि द मोड ऑफ पेमेंट क्या रहता है, कि किस हिसाब से लोग दान कर रहे हैं भगवान श्री राम के लिए? ऐसे है जी, 10 रुपये का भी कूपन है, 100 रुपये का कूपन है और 1000 रुपये का कूपन है। जन जन का समर्पण लेना, प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनेगा, जन जन के लिए बनेगा और जन जन का मंदिर रहेगा, उसके ऊपर के किसी राशि देनी है तो रसीद बुक है। लोग चेक के माध्यम से भी दे रहे हैं, बड़ी राशि वाले चेक के माध्यम से दे रहे हैं और छोटी राशि वाले जो दे रहे हैं 1000 रुपये का कूपन, 100 रुपये का कूपन और 10 रुपये का कूपन। मैं परसों का आपको वाक्य बताता हूँ। मैं जो अपने मंदिर के बाहर, जो अपने देवालयों के बाहर बैठे होते हैं, जो अपना मांग मांग के अपना रोजी रोटी का गुजारा करते हैं, तो जब मैं उनके बीच में पहुंचा तो उनका हर्ष का कोई ठिकाना नहीं था। इतने हर्षित हुए कि उन्होंने, हमने तो 10 रुपये का विषय रखा लेकिन उन्होंने 50-50 रुपये अपने निकाल के दिए और आगे बढ़ चढ़ के दिए। तो ऐसा अपने देश में, पूरे प्रदेश में चल रहा है। ऐसा कई बार वाक्य देखने को मिल रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनकी आय कम है, वो लोग भी श्री राम जन्मभूमि के लिए पैसा दान कर रहे हैं। तो सर, आपको इसमें कैसा महसूस हो रहा है कि ये इतनी बड़ी मुहिम विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाई गई? यह विश्व हिंदू परिषद द्वारा नहीं है, पूरे हिंदू जागरण की, हिंदू को जागरण करने का है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह पूरा हिंदू समाज लगा हुआ है। एक समाज, कोई एक संगठन नहीं लगा हुआ, पूरा हिंदू समाज इसमें लगा हुआ है और ये जन जागरण जन जन तक पहुँचेगा और जन जन का हम समर्पण लेकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पण करेंगे। और ये एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहा है, ये जितना भी 10 रुपये का भी कूपन है, हमारा एप्लीकेशन में लोड है। एप्लीकेशन में जैसे ही हम डालते हैं तो उतना उसका बैलेंस दिखा देता है, अगले दिन ही हमारे कार्यकर्ता उसमें बैंक में डाल देते हैं। तो ऐसा ही है, निधि समर्पण अभियान चल रहा है। ये कितने दिन तक है और आपके इसके लिए कोई डेडलाइन आई हो
ऑफिस से कि इतने हाँ यह हमारे पूज्य संतों ने और संघ के बड़े अधिकारियों ने और हिंदू जितने भी संगठन हैं उन्होंने बैठ कर यह निर्णय लिया था कि यह अभियान 44 दिन चलेगा, 15 जनवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी माघ पूर्णिमा वाले दिन समापन होगा इसका। लेकिन हमारे हरियाणा प्रांत में कुछ कठिनाइयाँ आई क्योंकि किसान आंदोलन जो चल रहा था, किसान आंदोलन को देखते हुए जो कठिनाई आई थी, शायद हमें कुछ दिन के लिए यह संपर्क अभियान को पोस्टपोन करना पड़े और आगे बढ़ाना पड़े, अदरवाइज यह 27 तारीख हमारी डेडलाइन है जी। कई और राज्यों में भी मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी डेडलाइन को आगे बढ़ाने की बात की है, इसको किसान आंदोलन को लेकर। ऐसे 2-3 राज्य ही प्रभावित हैं, दिल्ली प्रभावित है, पंजाब प्रभावित है, हरियाणा प्रभावित है, उत्तर प्रदेश प्रभावित है, तो ये 4 राज्य जो प्रभावित हैं इन्हीं क्षेत्रों में ही कुछ लोगों ने ऐसी आग्रह किया है संगठन से। तो यह प्रांत समिति 24 तारीख को बैठ के ये फैसला करेगी कि इस अभियान को आगे बढ़ाना है या यहीं तक सीमित रखना है जी। लेकिन हिंदू समाज इसके लिए पूरा समर्पित है, तत्पर, पूरी समर्पित है जी। सर ये बताइए कि जो फंड इकट्ठा हो रहा है ये निधि समर्पण के लिए, तो ये रिलीज कैसे होगा, ये कैसे पहुंचेगा, या रोज़ के रोज़ जाता है या महीने के एंड में जाएगा ये मंदिर? जितना भी हमारा लोग समर्पण करते हैं वो कूपन हमारे पास एक डिपॉजिटर बने हुए हैं, पूरे प्रांत में 350 डिपॉजिटर हैं और डिपॉजिटर को भी कोड दिया गया और बैंक को भी कोड दिया गया है। डिपॉजिटर अपना कोड डाल के उस कूपन के माध्यम से बैंक में लेके जाता है और बैंक उसको डिपॉजिट करता है। आम जन कोई भी जाके इस अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकता जी। तो इसलिए डिपॉजिटर प्रतिदिन पैसा जमा कराते हैं, इसमें महीने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। प्रतिदिन जितना आता है दोपहर को जमा करा देते हैं, अगले दिन जो शाम को आता है वो अगले दिन जाके जमा करवा देते हैं। तो ऐसा करने का अपना लक्ष्य है, कोई भी पैसा कैश इन हैंड नहीं रखते अपने कार्यकर्ता, सब बैंक में जाता है। सर जैसे कि अभी चंपत राय जी जो राम मंदिर के हेड हैं, उन्होंने भी बोला था कि UPI जो है, कुछ दिन पहले बोला था UPI सेफ नहीं है, तो क्या आपने भी फिर उसी हिसाब से UPI से ट्रांजेक्शन करना बंद कर दिया? जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में उन्होंने UPI और बारकोड को बताया था कि ये सेफ नहीं है, तो क्या आपने एक्शन किया उस पर? श्री चंपत राय जी ने वो स्टेटमेंट दिया है जी। वो स्टेटमेंट दूसरे अकाउंट्स हैं जिनमें से पैसा कुछ निकाला जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो समाज को ये एप्लीकेशन के माध्यम से करने का ये मौका मिला है, इसमें कोई भी एक रुपया कहीं बाहर नहीं जा सकता, इसमें सिर्फ पैसा डाला जा सकता है, इसे निकाला नहीं जा सकता, तो इसलिए ये टोटली सेफ है, सुरक्षित चीज़ है। तो इसलिए सभी लोग, जितने भी लोग इसको समर्पण दे रहे हैं, वो उसी एप्लीकेशन के माध्यम से ही अपना पैसा जा रहा है, तो इसलिए कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है इसमें किसी भी टाइप की हेराफेरी की, सब लगे हुए हैं, ढंग से लगे, बहुत बढ़िया तरीके से लगे। सर आप प्रभु श्री राम के निधि समर्पण कर एक ये जो मुहिम है, अभियान है, इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्योंकि हम दर्शक भी जानना चाहते हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं, आप काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, तो आपका रूटीन क्या रहता है? मेरा व्यक्तिगत रूटीन 4:30 बजे उठने का है और 6:30 बजे से मैं इस कार्य में लग जाता हूँ और 8:30 बजे किसी ना किसी सज्जन के, जो सज्जन शक्तियाँ अपने को समर्पण देना चाहती हैं, उनके किसी ना किसी के घर पर पहुँचना और आग्रह करना और विषय रखना, और बहुत अच्छा समर्पण मिल रहा है, तो इसलिए पूरा दिन मैं 3 महीने के लिए 6 दिसंबर से लेकर 6 मार्च तक अपने निजी कार्यालय से छुट्टी पे लेकर यह काम मुझे प्रभु ने दिया है, तो मैं इसमें पूरा लगा हुआ हूँ। और जितने भी अपने कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, बहुत तत्परता से लगे हुए हैं, बहुत ही सब में अच्छा खुशी का माहौल है, खुशी से जाते हैं, ढोल नगाड़े बढ़ते जाते हैं, लोगों द्वारा पुष्प वर्षा होती है, बहुत अच्छा माहौल है पूरे प्रांत में। सर अभी आपने जैसे कि, मैं समावेश करता हूँ अब इस इंटरव्यू का, अभी आपने जैसे किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा सर थोड़ा सा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन किसानों को आंदोलनजीवी एक नया शब्द उपजा और सभी के हृदय में था कि आंदोलनजीवी का क्या तात्पर्य है, क्यों निकाला गया, लोकसभा में अखिलेश यादव ने जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, फंड ले रहे हैं राम समर्पण के लिए, उन लोगों को चंदाजीवी कहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए वैसे तो ये राजनीतिक विषय है, इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम ये कहते हैं अभी आंदोलन करना है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद भी आंदोलन करता है लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन रहे, किसी टाइप की कोई ऐसी हमारी कोई आंदोलन में ऐसी शक्तियाँ नहीं लगती जो देश का नुकसान करें, किसी प्रदेश का नुकसान करें, किसी शहर का नुकसान करें। देखिए आज जनता कितनी त्राही त्राही कर रही है, कितने मजदूर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं,
क्योंकि वहाँ उनको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। बहुत सारी फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन करते हैं फिर ठप हो जाता है क्योंकि वहाँ वाहन नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए देश का नुकसान करना हमारे हित में नहीं है। अपने को देश का नुकसान कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी आंदोलन के माध्यम से नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से। जब सरकार बात ना सुने फिर तो ठीक है, एक अलग आंदोलन करना चाहिए, लेकिन जब सरकार के माध्यम से हमने सभी ने देखा कि एक बातचीत हो रही है और बातचीत में कुछ तो दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं अभी एक तरफ से अड़ियल रवैया, और भी जी कानून पहले रद्द कर दो फिर ये कर दो वो कर दो। और जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये कानून हमारे इस देश के लिए बहुत ही सुरक्षित कानून है, अगर फिर भी कहीं कमी आएगी वो डिस्कस करने के लिए तैयार है, तो इसलिए अपने को लगता है भी इस कानून के बारे में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं लगी हमें भी, जो मैंने व्यक्तिगत भी अध्ययन किया कि किसी कानून में कुछ कमी होती है तो उसको दूर करना जरूरी होता है। हम भी अपने सुझाव भेजते हैं, GST के लिए सुझाव भेजते हैं, इसके लिए भी भेजे हैं हमने सुझाव, लेकिन ऐसा कोई कमी नहीं लगी। तो कमी होगी तो सरकार तैयार है उसके लिए जी जी, तो लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, मेरा ऐसा आग्रह है। यह आंदोलन ख़त्म करके सड़कें साफ करके लोगों को अच्छे तरीके से बातचीत करके माध्यम से आगे चलना चाहिए, और देश के लिए जितनी प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और देश अपना संपन्न हो सके, ऐसी मेरी उन लोगों से प्रार्थना है। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे साथ मौजूद हैं पवन कौशिक जी, जो कि निधि समर्पण अभियान में जितना भी अकाउंट्स है, जितने भी पैसे का लेन देन हो रहा है, उन सबको मैनेज कर रहे हैं पूरे प्रांतीय लेवल पर, पूरे प्रांत को मैनेज कर रहे हैं। सर, आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद पवन जी। सर, आप एक बात बताइए, कितने समय से ये अभियान शुरू हुआ और इसके उपज कहाँ से हुई, कहाँ से ये आइडिया आया कि ऐसा एक अभियान जनमानस तक जाएगा जो इतना बड़ा हो गया? प्रांत जो ऑल इंडिया लेवल पे है ये अभियान जी, मकर संक्रांति 15 जनवरी से शुरू हुआ जी, और 27 फरवरी तक इसका 44 दिन का ये अभियान है। 44 दिन। जितनी भी अपनी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है और भी संस्थाएं हैं जो अपने राष्ट्रीय और हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, सभी संस्थाओं के एक बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे समाज को जोड़ा जाए, पूरे समाज का इसमें सहयोग हो, इसलिए सबकी बैठक करके ये तय हुआ कि ऐसा एक अभियान निधि समर्पण का पूरे भारतवर्ष में चलाया जाए। और ये 44 दिन का अभियान 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलाया। सर, आप जैसे कि फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, धन राशि को आप मैनेज कर रहे हैं, तो क्या तकलीफें या क्या कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है? ये स्टार्टिंग में क्या करना पड़ा कि फाइनेंशियल इतना बड़ा पूरे प्रांत का आप मैनेज कर रहे हैं, तो क्या तकलीफें आपको? धन राशि तो हमारे हाथ में नहीं आते, धन राशि तो डायरेक्ट बैंक में जमा होती है, लेकिन बैंक में जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि डिपॉजिटर कुछ टोलियां बनाई हुई है, 7,000 टोलियां बनाई हुई हैं, और उन टोलियां जो कलेक्शन करके डिपॉजिटर को देती हैं, ऐसे 350 डिपॉजिटर बनाए हुए हैं पूरे प्रांत में, वो डिपॉजिटर ही बैंक में जमा कराते हैं, उनको एक कोड मिला हुआ है डिपॉजिटर को, और वही कोड बैंक में भी है, तो बैंक में टैली करके कोड कोई ऐसा आदमी उसमें जमा नहीं करा सकता, केवल डिपॉजिटर ही जमा करा सकता है। तो वो डिपॉजिटर अपना कोड नंबर देके और उसमें जमा कराता है, वो डायरेक्ट उस निर्माण मंदिर निर्माण के अकाउंट में चला जाता है पैसा। तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, कई बार कोड मैच नहीं होता है, कई बार ऐसी डिफिकल्टी आती है जो अपने टेक्निकल जो यहाँ वो हैं ऑपरेशंस में वो उनको हल करते हैं। मेरे साथ टेक्निकल जो ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं वो भी हैं। व्हाट डू यू डू, आप वैसे बेसिकली क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर? सीए फाइनेंस। सीए फाइनेंस स्टूडेंट है। और आप कैसे जुड़े इस अद्भुत मुहिम के साथ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इसे अपना भाग्योदय समझता हूँ, सौभाग्य समझता हूँ कि जो श्री राम का मंदिर 492 साल इस मंदिर को बनने में लगे जी, और एकदम सडनली जो ये फैसला हुआ हमारी जनरेशन, इस जनरेशन को मैं इसी जनरेशन से अपनी जनरेशन से ये भी कहना चाहूँगा कि हम सभी का सौभाग्य है कि हमारी जनरेशन में मंदिर बन रहा है। और मैंने जैसे कहा कि मेरा भाग्योदय है, एक तो मेरी जनरेशन में बन रहा है, प्लस मुझे इस मंदिर के अभियान के साथ जुड़ने का मौका मिला जी, तो इसी वजह से मेरा भाग्योदय हुआ। और
जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो इश्यूज जैसे हम आपको जैसे टेक्निकल इश्यूज में क्या फेस करने को मिलता है? टेक्निकल इश्यूज में देखिए, जैसा अभी हमारे हिसाब किताब प्रमुख जी प्रधान जी ने कहा कि सभी डिपॉजिटर्स को आईडी बनी हुई है और बैंक की भी अपनी एक सेपरेट आईडी है, तो उसके अंदर इश्यूज एप्लीकेशन से रिलेटेड ही होते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड सपोज जैसे डिफरेंट कूपन की एंट्री करनी होती है एप्लीकेशन के अंदर, और रसीद के लिए बड़े चेक्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा माइनर बग प्रॉब्लम हो गया या किसी को देखिए सारा डिजिटल काम, डिजिटल इंडिया का भी इसमें पूरा सपोर्ट हो रहा है जी। और हम ये अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे जैसे सभी को टेक्निकल आइडिया है, तो सबसे पहले मैंने पूरे प्रांत में लगभग 17 वर्कशॉप्स लिए हैं सभी की। अच्छा। और सभी 350 डिपॉजिटर्स तक मैंने कोशिश की है कि बेस्ट टू बेस्ट लेवल से उन्हें समझाया जाए कि वो टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली हो पाए, एप्लीकेशन फ्रेंडली हो पाए, मोबाइल एप्लीकेशन ढंग से यूज़ कर पाए जी। और बैंकिंग में भी सेपरेट एक प्रोसीजर है, जैसा हम रेगुलर अपना कैश डिपॉजिट करने जाते हैं वैसा प्रोसेस नहीं है, हमारे क्लाइंट को बैंक ने हमें दे रखा है। और बैंक को लेकर भी थोड़ा बहुत टेक इश्यूज आते रहते हैं, जैसे कि कैश डिपॉजिट का क्या प्रोसेस है। एक पीएनबी ने एक हमारे लिए बहुत एक अच्छा काम किया है कि रेगुलर विंडो ना खोल के एक उन्होंने एक FCMBR विंडो हमें एक दी है, जो नई एप्लीकेशन है उनके बैंकिंग सॉफ्टवेयर में जी। तो उसमें कुछ इश्यूज आते रहते हैं तो चलता रहता है जी। तो कुछ डेडलाइन की इतने दिन तक, जैसे कि सर ने भी बताया कि ये 27 फरवरी तक है और उसको आगे भी करने की, एक्सटेंड करने की भी है, तो कुछ डेडलाइन है कि इतना निधि समर्पण होना चाहिए राशि वाइज, अमाउंट वाइज कुछ जी? हर प्रांत देखिए राशि वाइज तो सभी का स्वेच्छा है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। तो ऐसे में हम टारगेट लगाएं तो आई डोंट थिंक ये एक जायज बात है, लेकिन 27 फरवरी हमारी तरफ से डेडलाइन थी। जैसे प्रधान जी ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा, खासतौर पर नॉर्थ हरियाणा, आपका सोनीपत, झज्जर, पंचकुला और यमुनानगर हमारे काफ़ी अफेक्टेड एरियाज थे, जींद में भी, तो हमारे को रिक्वेस्ट आ रही है। मैं सभी जिलों से टच में रहता हूँ और विभिन्न जिलों ने मेरे से रिक्वेस्ट भी की है कि आप ये डेडलाइन हो सकता है तो एक्सटेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि उनको भी जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। और इसी लोगों के भाव को देखकर सभी ने हमें यही कहा है कि सर अगर कोशिश हो सकती है तो प्लीज़ ये एक्सटेंड कीजिए। जो जहाँ तक है 24 फरवरी को जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा कि एक्सटेंड हो सकता है तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के निधि समर्पण कार्यक्रम के कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा विश्व हिंदू परिषद का कोई मोटिव नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना इनका मोटिव नहीं है। इनका मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन चेतना राम के प्रति अवेयर करना कि प्रभु श्री राम कौन है। और ये जो निधि समर्पण कार्यक्रम हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आगे से आगे आकर जुड़ें और डोनेशन करें, भगवान के मंदिर के कार्यक्रम में आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अभी तक प्रांत में हर लोगों की टोलियां बनाई गई हैं, लोग घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जन चेतना फैलाई जा रही है राम के प्रति और गांव-गांव में ये फैलाई जा रही है। मैंने कहीं रिसर्च में भी पढ़ा था कि 5.25 लाख गांव, जो देश के 5.25 लाख गांव हैं, उनमें से 13 करोड़ फैमिली से व्यक्तिगत बातचीत की जा रही है इन 44-45 दिनों में और लोगों को जागरूक किया जा रहा है राम के प्रति। हर्षवर्धन को दे इजाजत, कैमरा पर्सन तारिशी के साथ, देखते रहें न्यूज़ एजेंसियां।